नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोटोन अकेडमी। हाल ही में ईपीएफओ ने डीएससी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन अनाउंस करी है एम्प्लॉयर्स के लिए, और जो ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं एम्प्लॉयर्स के उन सब के लिए लॉकडाउन के चलते, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहा गया, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, केवाईसी का अप्रूवल है या जो ट्रांसफर क्लेम्स के अप्रूवल होते हैं वो एम्प्लॉयर्स को डीएससी के थ्रू ही अप्रूव करने होते हैं। और डीएससी के थ्रू अप्रूव करने के लिए अगर आपका डीएससी एक्सपायर हो रखा है तो उसके लिए आपको एक डीएससी का एक रिक्वेस्ट लेटर जनरेट करना होता है पोर्टल से, और उसके साथ में फॉर्म 5A की कॉपी साइन करके मैन्युअली आपको ईपीएफओ डिपार्टमेंट, जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है जिस एरिया का, उस एरिया में आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद जो वहाँ का फील्ड ऑफिसर होता है वो उस डीएससी की जो रिक्वेस्ट होती है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो लॉकडाउन के चलते अभी ये पॉसिबल नहीं है कि एम्प्लॉयर का जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो डीएससी का रिक्वेस्ट जनरेट करके उसको मैन्युअली सबमिट करा सके। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने एक रिलैक्सेशन अनाउंस करी है जो 6 मई को अनाउंस करी है, तो उसको हम देख लेते हैं। प्रेस रिलीज के थ्रू अनाउंस किया गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज हम ज्यादा से ज्यादा बनाते रहें। तो हम चलते हैं उस प्रेस रिलीज पे और देखते हैं वो प्रेस रिलीज क्या कहती है। ये है हमारी प्रेस रिलीज जो 6 मई 2020 को अनाउंस की गई है, जिसमें कहा गया एम्प्लॉयर्स डीएससी और ई साइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरीज इन द लॉकडाउन पीरियड। इसमें क्या कहा गया, द एम्प्लॉयर्स आर नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली एंड आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन यूजिंग देयर डिजिटल सिग्नेचर और आधार बेस्ड ई साइन ऑन ईपीएफओ पोर्टल। तो इसमें क्या कहा गया है, लाइक केवाईसी अटेस्टेशन और ट्रांसफर क्लेम अटेस्टेशन एटसेट्रा आर बींग डन ऑनलाइन बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरीज। तो जो ट्रांसफर क्लेम के अटेस्टेशन होते हैं और जो केवाई के अटेस्टेशन होते हैं वो डीएससी के थ्रू हमें सबमिट करने होते हैं, और या आधार बेस्ड ई साइन के थ्रू अप्रूव करने होते हैं। और डीएससी यूज करने के लिए हमें वन टाइम अप्रूवल रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करना होता है, जो दिक्कत आ रही है और उसको रीजनल ऑफिस में सबमिट करना होता है। तो इन सबको दिक्कत चलते हुए डिपार्टमेंट ने ईज द कंप्लायंस प्रोसीजर के अंतर्गत कहा है, वो जो रिक्वेस्ट लेटर जनरेट किया गया और साथ में जो फॉर्म 5A सबमिट होता है उसको आपको मैनुअल सबमिट नहीं कराना है, वो आपने जस्ट ईमेल के थ्रू उसकी स्कैन कॉपी साइन के साथ स्कैन कॉपी करके आप ईमेल कर देंगे अगर ईपीएफओ डिपार्टमेंट के कंसर्न ऑफिसर को, तो भी आपका डीएससी अप्रूव कर दिया जाएगा फील्ड ऑफिसर द्वारा। और इसमें कहा गया है, अगर आपका अप्रूव्ड डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी है वहां पे अवेलेबल है और आपका जो डोंगल है वो लोकेट नहीं कर पा रहा, जब आप डीएससी के थ्रू अप्रूव कर रहे हैं और आपका डीएससी जो है वो अप्रूव्ड है बाय फील्ड ऑफिसर, और आपका बाय चांस जो डोंगल है यानी कि जो डीएससी का जो पेन ड्राइव होती है वो काम नहीं कर रही है किसी भी रीजन से, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आधार कार्ड की हेल्प से उसको रजिस्टर कर सकते हो। और अगर जो डीएससी में आपका आधार कार्ड है और वही आपका आधार कार्ड यहाँ पे है, दोनों में जो आधार कार्ड और डीएससी में जो डिटेल गई हुई है आपकी, जो रजिस्टर्ड डीएससी है उसमें अगर आपका नेम सेम है, तो आपको कोई फर्दर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रजिस्टर द ई साइन एंड सेंड द रिक्वेस्ट लेटर अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड सीक अप्रूवल फॉर द कंसर्न ईपीएफओ ऑफिस। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है जिसमें आपको मैन्युअली नहीं जाना है, और अगर आपका डीएससी अप्रूव होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो आप अपने आधार कार्ड की हेल्प से भी ई साइन करके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर सकते हो। तो लास्ट में हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जो हमें सेंड करनी है ईमेल, जहां हमें सेंड करनी है ईमेल, वो ईमेल आईडी हमें कैसे मिलेगी। उसके लिए हमें जस्ट ईपीएफओ के पोर्टल पे जाना है। हम चलते हैं ईपीएफओ के पोर्टल पे और देखते हैं वो ईमेल आईडी हमें कहां से चेक करनी है। तो हम आ गए अपने ईपीएफओ के पोर्टल पे। जैसा कि आप देखो ईपीएफओ के पोर्टल पे सबसे पहले सर्विस वाले ऑप्शन में लोकेट एंड ईपीएफओ ऑफिस, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे नो योर ईपीएफ ऑफिस हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर एन एड्रेस, उस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ, और हरियाणा में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि मेरा गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं इस पे सबमिट करूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे एड्रेस और ईमेल आईडी सामने आ जाएगी। इस ईमेल एड्रेस पे आपको वो डॉक्यूमेंट सेंड करना है और ईपीएफओ ऑफिस द्वारा आपकी जो फॉर्म है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या नीचे दी गई ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।